हे गाइस, माय नेम इज समीम अन्नू और वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल समीम 72। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक सेल्फी स्टिक के बारे में। ये सेल्फी स्टिक है, मैंने अमेजोन से ख़रीदा हुआ है। इसको मैंने पहले ही पैकेज जो है अनबॉक्स कर दिया था, क्योंकि मुझे चेक करना था कि कैसा है। तो अभी इस बॉक्स को खोलते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये रहा सेल्फी स्टिक और ये इस तरह से मोमेंट करता है। ये फ्लेक्सिबल है, इतनी इसकी हाइट होती है। ये इसकी हाइट है। इस कोने पे दिया गया है सेल्फी रिमोट कंट्रोल, यानी कि आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो। आप इसको यहाँ से रिमूव कर लोगे ऐसे, जिसको आप ब्लूटूथ से अपने कनेक्ट कर लोगे, और ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो फ़ोटो या वीडियो। इसको हम यहीं पे लगा देते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो ये सिंपली ऐसे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है, ऐसे बैठ जाता है। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे खुलता है और इसमें मोबाइल आप अपना फंसा सकते हो इसमें। ये इस तरह से मूव हो जाता है, रोटेट हो जाता है, और ये अप एंड डाउन ऊपर नीचे भी जाता है। यहाँ से इसकी टाइट करने वाली ग्रिप दी गई हो, जिससे आप टाइट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये सेल्फी स्टिक पसंद आया होगा बाय लुक। अब आइए इसको यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में लगा के, और देखते हैं कितना कवर करता है डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा सेल्फी स्टिक, इसको ऐसे ओपन करेंगे। यहाँ पे जो दो दिए गए हैं क्लिक, यहाँ पे जो दो फंसाने के लिए दिए गए हैं, उसको हम ऐसे करेंगे, और एक फिर ऐसे करेंगे इसको। अब ये हो गया हमारा सेल्फ़ी स्टिक मोबाइल फंसाने के लिए रेडी। तो इसको हम मोबाइल फंसाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल फंसाते वक्त इसको हमको ऊपर की ओर फंसाना है, फिर नीचे की ओर, ऊपर की ओर प्रेस करना है, फिर नीचे की ओर अपने आप फंस जाएगा। तो कुछ ऐसा आएगा व्यू। इसको हम इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरह से इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉगिंग। हो गया। तो ये रहा हमारा सेल्फी स्टिक लगने के बाद, इतनी इसकी दूरी होती है। ये फुल मैंने इसको खोल दिया है, ये फुल इतना जाता है, मगर आपको इतनी खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना काम नहीं होता है। आप इतना ही खोल सकते हो, या तो कहें आप इसको पूरा फोल्ड करके इतने में भी काम चला सकते हो। तो ऐसे फंसने के बाद, ये इसकी अभी लाइट ऑन है ताकि आप लोगों को दिखे। तो इतना फंसने के बाद ये ऐसे लगता है। तो चलिए आइए अब इससे करते हैं ब्लॉगिंग। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, ये मैंने सेल्फ़ी स्टिक का ये रिमोट कंट्रोल निकाल के रखा हुआ है, अपने पास रख लिया है। अब ये कनेक्ट है इस वाले फ़ोन में, और उस पर देखिए फिंगर पे क्लिक पे हमने कहीं भी, हमने फिंगर पे इसको कहीं भी हमने टच नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए फ़ोटो अपने आप क्लिक हो जाएगी इसको प्रेस करने के बाद। आपने देखा फ़ोटो क्लिक हो गई है। देखिए फिर से फ़ोटो मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। ये सेल्फ़ी स्टिक है, ये मैंने इसको उठाया और ये देखा। तो इस तरह से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। देखिए मैं वीडियो भी आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। वीडियो मोड पे आएंगे आप, अगर ब्लॉगर हैं तो आप वीडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, देखिए यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गया। ये मैंने प्रेस किया दोबारा, ये ख़त्म, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं इस बटन से आप बंद कर सकते हो। तो ये रही। तो गाइस ये मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। ये मेरा सेल्फ़ी कैमरा है, 9 Pro Max का सेल्फ़ी कैमरा है। ये मेरा पीछे भाई खड़ा हुआ है छोटा, और ये आप इतना डिस्टेंस देख सकते हैं कि बिना ओपन किए इतना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की कमी होगी, क्योंकि वीडियो हिल रही होगी, क्योंकि वो मेरा फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा अपने से दूर करूँगा, यानी कि मैं इसकी डिस्टेंस बढ़ा दूँगा। इसको मैंने फुल पे कर दिया, और फुल पे जाने के बाद ये इतना हो जाता है। तो अगर ये ऊपर नीचे होता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और इतनी डिस्टेंस कवर करता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इनफ है एक ब्लॉगर के लिए, एक वीडियो सेल्फी स्टिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो इतनी मेरे ख्याल से काफ़ी है, मगर आपको इतनी डिस्टेंस कवर नहीं करनी है, आपको और छोटा करना है, क्योंकि आप इंटरनल माइक यूज़ करते हो ज़्यादातर, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है वॉइस की। तो मैंने तो बोया का माइक लगाया हुआ है, तो मुझे तो दिक्कत नहीं हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये एंगल जो है पसंद आ रहा होगा, कि इतना एंगल ये कवर करता है। मेरा मोबाइल जो है 9 Pro Max है रेडमी का, ये थोड़ा हैवी है, लोड है, फिर भी ये संभाल ले रहा है। तो आई थिंक आपका जो मोबाइल होगा इतना भारी नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा ओवरवेट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, दोनों हाथ से जब आप पकड़ लेंगे मोबाइल, तो देखिए इस तरह से स्टेबलाइज करेगा, और आप हिलते डुलते वीडियो बनाएंगे तो आपकी जो वीडियो है वो नहीं हिलेगी। सेल्फी स्टिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि डिस्टेंस कवर करता है ये।
आप अगर पूरा हाथ अपना खोलेंगे तो इतना कवर करेगा। मैंने एकदम हल्का सा एल्बो के पास से टर्न किया हुआ अपना हैंड, तो इतना कवर कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेल्फी स्टिक कैसा है। इसकी मार्केट प्राइस थी 769। मैंने इसको अमेज़ोन से परचेज़ किया था 499 का। तो एज अ बजट, एज अ प्राइस, ये मुझे सेल्फी स्टिक ठीक लगा, क्योंकि इतना भारी मोबाइल ये कैरी कर ले रहा है तो इसका मतलब कि सेल्फी स्टिक ठीक है। बाकी रेडमी का आप ख़रीदना चाहते हैं तो रेडमी का आता है 1299 में, मतलब 1299, लगभग 1300 रुपये का। तो उसके हिसाब से ये 500 का सेल्फी स्टिक बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम और इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने तो शेयर करिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय।